तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6th हनीसकल इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका भी मतलब समझते चलेंगे। तो शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क खुद नहीं किया, उसको ये बहुत बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इसकी बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेला करता था। निंटेंडो है एक वीडियो गेम यहाँ पर। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स उसे बताया करते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सच भी है, उसे कई बार ऐसा लगता था कि वो एक घमंडी व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं आता। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वो कर क्या सकता था, उसे तो होमवर्क करना सबसे बेकार काम लगता था। तो यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मतलब आपको समझने चाहिए। जो पहला है वो है इंस्टेड और दूसरा है इग्नोरमस। इंस्टेड का मतलब होता है बावजूद, यानी के बजाय, इसके बजाय कुछ और ऐसा। और इग्नोरमस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एन इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट मतलब घमंडी, हु लैक्स एजुकेशन। हु लैक्स एजुकेशन मतलब जो शिक्षित नहीं है, जिसे कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर दो ही ऐसे वर्ड थे जिनका मतलब आपको समझने की ज़रूरत थी। बाकी अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, ही ग्रैब्ड इट अवे। और फिर एक दिन उसने ये पाया कि उसकी जो बिल्ली है वो एक लिटिल डॉल, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और उसने वो डॉल उससे छीन ली। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। और आश्चर्य की बात ये थी कि ये एक डॉल कतई नहीं थी, पर एक व्यक्ति था बिल्कुल छोटे से साइज का। टाइनी मतलब छोटा। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। और उसने एक छोटी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी जिस पर ओल्ड फैशन वाले ब्रीचेस, यानी छोटे छोटे फरने से लगे हुए थे, एंड हाई टॉल हैट, और एक लंबी सी हैट थी मच लाइक अ विच। विच मतलब होता है जादूगरनी, जादूगर के पास जैसी हैट होती है वैसी। ही येल्ड, वह है चिल्लाया। यहाँ पर ही ना कि पैट्रिक के लिए आया है, ये उस छोटे से व्यक्ति के लिए आया है जिसे पैट्रिक ने डॉल समझ के छीना था। वह चिल्लाया सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। वह चिल्लाया मुझे बचाओ, मुझे उस कैट को वापस मत करना। आई विल ग्रैंट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और मैं ये वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हेयर वॉज द एंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना भाग्यशाली वह है, कितना लकी वह है, और यही जवाब था उसकी सारी मुश्किलों का। कैसे, आगे बढ़ते हैं। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट 35 days, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज। तब वो अपनी विश उस जो एल्फ था छोटा सा बोना उसको बताता है, केवल यदि तुम मेरा होमवर्क करते हो पूरे सेमेस्टर के अंत तक, जो कि 35 days का होता है, तो अगर तुम अच्छा काम करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन एन हैम्पर, इन द हैम्पर। जो छोटा सा व्यक्ति था उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया, जैसे कि एक डिश क्लॉथ को, जो कि साफ किए हुए बर्तनों को, गीले बर्तनों को पोंछने के काम आता है, उसे डिश क्लॉथ कहते हैं, जो किसी थ्रोन इन हैम्पर, हैम्पर मतलब एक टोकरी जिस पर एक बास्केट विद अ लिड, ए टोकरी जिस पर एक ढक्कन लगा हो, उसे हैम्पर कहते हैं। तो उस छोटे व्यक्ति का चेहरा झुर्रियों से भर गया, जैसे कि एक डिश क्लॉथ को पहुंचने के बाद हम एक टोकरी में फेंक देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रिमेस्ट एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। तो फिर
उसने लात मारी और अपनी मुट्ठियों को दबा दबा लिया और ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने मुंह बना लिया और अपने होठों को ऐसे दबाया जैसे कोई व्यक्ति को कोई अनचाहा काम कहने पर वो ऐसे अजीब सा मुंह बनाता है और होठों को दबा लेता है, वैसा ही उसने मुंह बनाया उस छोटे व्यक्ति ने। ओ आई एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, और वो अपने आप को कोस रहा था कि क्या मैं शापित हूँ जो मुझे ऐसा काम करना पड़े, पर मैं करूँगा ज़रूर। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने शब्दों का पक्का वह छोटा बोना यानी एल्फ यानी बोना पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, पर वहाँ पर एक ग्लिच था, ग्लिच यानी प्रॉब्लम, पर वहाँ पर एक गड़बड़ थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, पर उस बोने को हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, मुझे मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, वह चिल्लाता वह कहता, और पैट्रिक को उसकी बार बार मदद करना पड़ता जो भी तरीके में उसे मदद चाहिए होती। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता, वो बोना चिल्लाता है जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा होता है। गेट मी ए डिक्शनरी, वो कहता है कि मुझे एक तुम डिक्शनरी ला के दो, पर पैट्रिक बोलता है नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, वो कहता है इससे भी बेहतर मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, वर्ड को देखो और इसे एक एक अक्षर से बोलकर लिखो। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पर जब मैथ्स की बारी आई पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक के पास कोई लक ही नहीं था, उसकी किस्मत बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स द एल्फ स्ट्रिक्ट, क्योंकि मैथ्स के बारे में एल्फ को कुछ भी नहीं पता था, वो उसे बोलता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ स्ट्रिक्ट, एल्फ चिल्लाया, यहाँ पर स्ट्रिक्ट का मतलब ही गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राय, छोटी सी परंतु हाई पिच वाली चीक। ही वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, और उसने कहा कि हम बोनों को चिल्लाकर कहा उसने हम बोनों को कभी ऐसा चाहिए नहीं होता है, तो श्रीक का मतलब भी होता है चीक की, जो कि हाई पिच्ड होती है, पिच का मतलब है कितना भारी और कितनी पतली आवाज़ का होना। अगर किसी की आवाज़ पतली होती है तो उसकी पिच ज़्यादा होती है, परंतु किसी की आवाज़ मोटी भारी होती है तो उसकी पिच कम होती है। तो फिर वह बोना बोलता है एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन, वो कहता है कि हमें इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई किसी भी प्रकार के एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन फ्रैक्शन की हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, फिर वो पैट्रिक को बोलता है तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और साधारण तरीके से सिंपल तरीके से मुझे गाइड करते रहो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, जो बोने होते हैं वो ह्यूमन मानव मनुष्य की इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए एक अपने आप में रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, क्योंकि अब हिस्ट्री के बारी आई थी तो जो छोटा बोना था वो पहले ही चिल्ला रहा था, पहले ही शोर मचा रहा था, अब वो और तेज शोर मचाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, वह फिर से बोलता है कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए, और तुम मेरी उनमें पढ़ने में मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एफ वॉज अ नैग. तो जब भी कोई काम आता हर दिन वो जो छोटा बोना था एक नैग की तरह था, मतलब जो हर काम में मुसीबत खड़ी कर देता था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तुम ये करके दो, मुझे वो ला के दो. पैट्रिक को उसने परेशान करके रख दिया था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. और पैट्रिक कभी भी इतना हार्ड वर्क उसने नहीं किया था जितना वो आज कर रहा था. एंड वॉज इट अ ड्रैग. और ये उसके लिए बहुत ही अनइंटरेस्टिंग, अरुचिकर था, जिसमें उसे मज़ा नहीं आता था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी. और वो रात तो रात जागता था क्योंकि उसे जो एल्फो था वो उसकी हर टाइम मदद मांगता रहता था, हर टाइम उसको परेशान करता रहता था. इसलिए वो रात तो रात पूरी रात जागता रहता था और उस फेल्ट सो वियरी, और सच में काफ़ी थका हुआ महसूस करता था. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज़ पफ्ड एंड ब्लरी. और अपनी थकी हुई और ब्लरी यानी धुंधली आंखों के साथ वह स्कूल जाता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और आखिरकार स्कूल का सेमेस्टर का जो आखिरी दिन था वो आ गया और जो एल्फ था वो जाने के लिए आज़ाद था. एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो वर्क, क्योंकि जो होमवर्क था अब वो और ज़्यादा उसे नहीं करना था, जो कि असल में वो करता ही नहीं था. सारे दिन वो परेशान करता रहता पैट्रिक को. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर. स्लाइली यानी छुपके से, क्वाइटली यानी धीरे से, इसलिए वह धीरे से छुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है. पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. और पैट्रिक को ए ग्रेड मिला और उसके जो क्लासमेट्स थे वो आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज. उसके जो टीचर्स थे उन्होंने स्माइल किया और उसकी खूब तारीफ करी. प्रेज यानी तारीफ करना. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. और जो उसके पेरेंट्स थे वो भी सरप्राइज थे कि पैट्रिक को ऐसा क्या हुआ, उस जिसे पहले किसी ज़माने में होमवर्क करना अच्छा भी नहीं लगता था, उसे इस बार ए ग्रेड मिला है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात थी, उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से ऊपर थी. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. और अब वो जो बच्चा था वो एक मॉडल किड था, यानी आदर्श बच्चा था, कि लोग उसे, दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसा बोलते थे कि पैट्रिक जैसा बनो, यानी वो एक मॉडल किड बन गया था. क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स एंड वॉज चीयरफुल नेवर रूट. और उसने अपना कमरा साफ किया, अपने जो भी फालतू के काम थे, जो उसे फालतू के काम लगते थे वो उसने खुशी खुशी पूरे किए और कभी भी रूट की तरह व्यवहार नहीं किया जैसा वह पहले करता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एप्टीट्यूड. मतलब उसने इस प्रकार, ऐसा लग रहा था कि उसने एक नया ही एटीट्यूड, यानी जिस अपना जो दृष्टिकोण होता है, किस कैसे आप दूसरी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, कैसा उन्हें देखते हैं, उसे ही एटीट्यूड बोलते हैं. तो उसने एक नया ही एटीट्यूड डेवलप कर लिया था अपने अंदर. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. और देखो आखिर में पैट्रिक अब भी यही सोच रहा था कि उसने उस छोटे से व्यक्ति से अपना सारा होमवर्क कराया है. बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, राइटर बोलता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा. और ये जो काम था वो एल्फ ने नहीं किया था, ये सारा काम पैट्रिक ने ही किया था. तो आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. होप आपको अच्छा लगा होगा. आपके कोई सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और शेयर कर सकते हो तो कर देना. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.